ग्रीन हो रखे हैं और मौसम कितना प्यारा हो रहा है। तो आज काफी टाइम के बाद मैंने अपने देखने के लिए हम यहाँ पे ओपनिंग कर देते हैं हम। तो ये हमारा गिफ्ट पैक हो रहा है और यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, मूर्ति भी है। बट हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज ससुराल में दूसरा दिन और बताया घर में इतनी हरियाली हो रखी है चारों तरफ और यहाँ पे झरना आता है, इस बार झरना भी नहीं आया है। और अभी मैं जा रही हूँ जेजी से मिलने, फिर पता नहीं कब मिलूँगी। हाँ, मैं जो बोली थी ना कि आप लोगों के लिए सरप्राइज है करके, तो मेरे पति देव जी बताएंगे। और जेजी ने खेत में देखो कितनी अच्छे से गुड़ाई करी गई है और यहाँ से हम लोग पानी भरते हैं जेजी के वहाँ से। तो गाइस सारा सामान पैक कर लिया हम लोग और बेड वगैरह भी पैक कर दिया और ये गर्मी से हाल बेहाल, फैन भी लगे हैं। ऐसे डिसिप्लिन में लगाना सामान, ठीक है दिखाती हूँ मैं बहुत अच्छे से। गाइस सामान उस साइड को, इसके आगे साइड को मेरा लहंगा वाला सामान है और ये बहुत अच्छे से लगाया है। इस साइड भी देखिए आपके, उस ये दोनों साइड फुल है हमारे और ये दोनों थोड़ा खाली खाली है। अभी तो अलमीरा का देखना है, बहुत काम है गाइस। और सामान पैक करने में इतना अजीब लग रहा है ना अपने घर से, सच्ची में बोल रही हूँ, बट क्या करें हस्बैंड। ओह माय गॉड गाइस, मैं आप लोगों को बताने वाली थी ना एक सरप्राइज है करके, तो सरप्राइज रिवील करते हैं। क्या सरप्राइज है? क्या था बताना। तो गाइस हल्द्वानी से भी मैंने अपना सामान पैक किया, बहुत सारा सामान मैं यहाँ भी लेके आई और कुछ सामान मैं वहाँ से उधर को भी ले जाऊँगी जहाँ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और जब भी मैं सामान वामान पैक करती हूँ हमेशा बहुत खुश होती हूँ, बट इस बार मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप में होगी वहाँ से भी, क्योंकि अभी तक मैं हल्द्वानी रह रही थी तो भैया दीदी लोग साथ में थे, बट अब सब हम भाई बहन भी अलग हो जाएंगे और मैं यहाँ से भी अलग जगह जा रही हूँ, तो अजीब सा लग रहा है। बट क्या करें, जाना तो होता ही है कहीं ना कहीं मंजिल की तलाश में। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ये फ़ैन लगाया, कूलर आजकल बंद करके वहाँ पर रखा है। क्या क्या लाना है? और मेरे पति देव ने मुझे इतना काम करा दिया गाइस, थोड़ा थोड़ा करके। मैंने सोचा था काम नहीं करूँगी करके, बट बहुत काम करा दिया। लेकिन मैं मजाक कर रही हूँ, ये पूरा पति देव ने सेट कर रखा है ये जो भी चीज़ें हैं। और ये ट्रॉली मेरी मम्मी ने दिया था मेरे हस्बैंड को, सबसे बड़ा साइज है ये और बहुत बड़ा ट्रॉली है यार। तो इसमें हमारा कितना सामान आ जाएगा, एक वो ब्लैक वाला ले जाएंगे और एक ट्रॉली, दो ट्रॉली मेरी हल्द्वानी है, दो तीन ट्रॉली, तो देखते हैं कितना सामान जाता है। और जो मम्मी ने मुझे शादी में कुछ बर्तन दिए थे ना, तो वो बर्तन भी ले जा रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ जाके भी हम लोग इतना सामान नहीं खरीद सकते। तो जिस दिन मैं फाइनल सामान पैक करूँगी उस दिन दिखाऊंगी कि आपको क्या क्या ले जा रही हूँ करके। अब मैं पति देव हम लोग पहुँचे अपने इष्ट देव जी के मंदिर के पास और यहीं पे मुझे मिल गई मेरी बूबू जी और खेत में घास वास काट रहे हैं। डाली डाली फूलों की, ग्रीन हो रखे हैं और मौसम कितना प्यारा हो रहा है। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपने, तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं और पति देव जी जा रहे हैं मार्केट और ये रहा इनका लुक। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने? तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने दो लड़की से मिलने, कल उसके शॉप की ओपनिंग है तो कल सुबह जाएंगे वैसे, तो आज खाली मार्केट तक जा रहे हैं, घर का सामान भी लाना है। और देखिएगा पता है ये सूट मैंने कब पहना था, ये सूट मैंने पहना था जिस दिन मैं ना मतलब जिस दिन हम दोनों जा रहे थे मैरिज सर्टिफिकेट बनाने, उस दिन पहना था मैंने ये पहली बार। और इस वाले सूट को लिया था मैंने थल मार्केट से, BSLX पता नहीं कुछ शॉप है उसमें, उसका मतलब शॉप का नेम। और बाकी नदी अभी पुल में जाके दिखाते हम लोग कुछ क्या बोल रहा। और आजकल देखो खेत में भी बहुत घास वास हो रहा है और रास्ते में भी घास हो रहा है। हाँ बारिश कुछ नहीं आए, मतलब बारिश नहीं हो रही है तब नहीं आए। और गाइज आप लोगों को पता है पिछली बार ना यहाँ पे मैंने और मेरे पति देव जी ने ये पूरा खेत मटोई का काटा था, फिर उसके बाद जिस दिन हम लोगों ने ये काटा था ना उसके बाद हम लोग गए थे सामान, मतलब ये खेत किसी और का है, हमारा ये वाला है। और कैमरे पे पानी लग, देखिए कितना बड़ा खेत है यहाँ से लेकिन यहाँ तक, और बड़े बड़े पौधे हो रखे हैं। यहाँ पे हमारा मंदिर है तो जय माँ रक्षा तो नहीं। और गाइज आप लोग मेरी देखिए
फ्रेंड्स, लक्की का स्टूडियो है, तो हम लोग अभी आए देखने के लिए। हम माय गॉड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्री ओपनिंग कर देते हैं हम और मैनेजर साहब भूपी हैं। क्या क्या काम है आपको? राशन कार्ड की फोटो स्टेट करनी थी, राशन कार्ड की ना छोटे मोटे काम नहीं करते, 1000 कॉपी करनी। 1000 कॉपी का सिस्टम भी तगड़ा है। हुसन तेरा तौबा 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 तौबा। हुआ भाई वाले बहुत बढ़िया बढ़ा रहा हूँ, बस मन देता है ज़्यादा। तो फोगला लोग ना बस मन में हैं, क्या कहो फोगला है। जब भी हम लोग आए नाचने और हम लोगों ने लक्की के लिए प्यारा सा गिफ्ट लिया, वैसे हम लोग गाने से भी लेके आए हैं और अभी हम लोग दुकान में गए थे तो मंदिर के लिए भी अभी हम लोगों ने कुछ सामान लिया है, तो ये हमारा गिफ्ट पैक हो गया है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये मूर्ति भी है बट ये लाइटिंग वाला है और ये मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन लाइटिंग और एक ये भी है बट मंदिर के लिए थोड़ा सा मैंने बोला था फिर सजाएंगे बल्ब टाइप में ही, और हम लोगों ने इसी टाइप का ले रखा है बड़े में, तो कल दिखाएंगे हम लोगों ने क्या लिया है घर के। और पैक हो ही गया है लगभग, और हम लोगों ने एक कलिका माता जी की मूर्ति भी ले रखी है,